नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, अपन जो प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स प्लस साइंस के न्यूमेरिकल हल कर रहे थे, उसमें से अब तक आपके 26 क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुके हैं। ये पार्ट 27 है, जिसमें अपन 15 अक्टूबर के प्रथम पारे में पूछे गए मैथ्स प्लस साइंस के सवाल हल करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अभी यहाँ से देख सकते हो। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, यहाँ पर 300 विद्यार्थियों के एक समूह में प्रत्येक विद्यार्थी 7 विषय पढ़ता है और प्रत्येक विषय 50 विद्यार्थियों के द्वारा पढ़ा जाता है, कुल विषयों की संख्या कितनी है? टोटल कितने स्टूडेंट है? तो टोटल स्टूडेंट है 300, ये टोटल स्टूडेंट हो गए। प्रत्येक विद्यार्थी 7 विषय पढ़ता है, यहाँ पे रूल है कि प्रत्येक विद्यार्थी है ये 7 विषय पढ़ेगा और प्रत्येक विषय है वो 50 विद्यार्थियों के द्वारा पढ़ा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये 50 विद्यार्थी का ग्रुप बनेगा और प्रत्येक जो विद्यार्थी है, नहीं, जो 50 विद्यार्थियों का ग्रुप है, ये सभी 50 विद्यार्थी एक विषय को पढ़ेंगे और इस टाइप से 50 के कितने ग्रुप बन जाएंगे? यदि 300 टोटल स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे 300 में आप 50 का भाग दीजिए, इस प्रकार 50 के कितने ग्रुप बनेंगे? तो 6 ग्रुप बन जाएंगे। 50 के ये 6 ग्रुप बनेंगे जिसमें सभी 50 विद्यार्थी है वो एक विषय को पढ़ेंगे, मतलब जो एक विषय रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ इन 50 विद्यार्थियों के द्वारा पढ़ा जाएगा। इस टाइप से यहाँ से कितने विषय बन जाएंगे? तो ऐसे आपके विषय बन जाएंगे 6 विषय, तो ये बन गए। अब बात करें कि प्रत्येक विद्यार्थी 7 विषय पढ़ता है, यहाँ से देखें तो ये एक ही विषय पढ़ रहे हैं, जैसे कि 50 विद्यार्थी केवल एक ही पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 विषय पढ़ता है और प्रत्येक विषय 50 विद्यार्थी के द्वारा पढ़ा जाएगा, तो इस टाइप से यहाँ पर और कितने विषय होने चाहिए? ये तो एक ही हुआ, 6 और होने चाहिए, तो 6 और हो जाएंगे यहाँ से विषय, जिसमें से 6 विषय में प्रत्येक विषय 50 के द्वारा भी पढ़ा जा रहा है और टोटल आपके 7 विषय भी एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो 6 विषय और यहाँ से जोड़े जाएंगे जिसमें से प्रत्येक विद्यार्थी टोटल 7 विषय पढ़ पाएंगे, तो यहाँ से कितने विषय हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इस प्रकार सभी ग्रुप में टोटल कितने विषय हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे और टोटल 6 ग्रुप है, कितने हो गए? 7 × 6 कहेंगे तो आप 42 विषय हो गए, ऑप्शन 2 करेक्ट है। एक सवाल है कि यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो गति के उच्चतम बिंदु पर बिंदु का जो पिंड का वेग है वो क्या होगा? यहाँ पर जी गुरुत्वाकर्षण, एच हाइट, टी समय है। तो यहाँ पर कोई भी अपन पिंड को लंबवत ऊपर की दिशा में फेंक रहे हैं तो गति के उच्चतम बिंदु पर जो पिंड जाएगा अधिकतम हाइट पर, अधिकतम हाइट जाने के बाद वापस नीचे आएगा, तो यहाँ पर गया पिंड और वापस नीचे आएगा तो जो अधिकतम हाइट पर जाएगा उस समय उस पिंड का वेग होगा वो 0 होगा। 0 वेग प्राप्त करने के बाद वो वापस नीचे आएगा, यदि वेग 0 नहीं होता तो वो नीचे आता ही नहीं, ऊपर चला जाता है। यहाँ पर वेग 0 हो गया और वो वापस नीचे आ गया गुरुत्व बल की वजह से, तो अंतिम वेग जो निकल के आ रहा है जहाँ पे उच्चतम बिंदु पर जाने का, वो है आपके 0, ऑप्शन 1। अगला सवाल है जो कि मैं लगभग प्रत्येक सेट में आपको करा चुका हूं कि 2015 के लिए कंपनी का जो कुल राजस्व दे रखा है आपको 36,28,000 है, यानी जो टोटल ये 100% है, ये 100% इक्वल है आपके 36,28,000 के, ये 100% इक्वल है, तो यहां से 1% कितने के इक्वल हो जाएगा? तो आप 100 से भाग दीजिए, 1% यहाँ से हो जाएगा आपके 36,280 के इक्वल हो जाएगा 1%। आपको पूछा है कि 2015 में बैगों की बिक्री कंपनी से कितना राजस्व हो रहा है, तो बैगों की बिक्री से कंपनी को जो राजस्व हो रहा है, तो बैग देखिए आप 45% राजस्व हो रहा है, 1% 36,280 के, 45 के लिए आप इस 45 का गुणा कीजिए तो आ जाएगा 16,32,600 रुपये, ऑप्शन 2 करेक्ट। अगला सवाल, यहाँ पे 3 संख्या का औसत 7 है, पहले 2 का औसत 5 है जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है, 3 संख्याएं कौन सी हैं? तो तीनों संख्याओं का औसत आपको 7 दे रखा है, यदि मैं ऑप्शन से डायरेक्टली देखूं तो कौन से ऑप्शन में तीनों संख्या का औसत 7 हो रहा है? तो ऐसा एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसमें 7 हो रहा है, जैसे कि बात करूँ मैं ऑप्शन 1 की, तो इन तीनों का औसत कितना हो जाएगा? टोटल योग कीजिए, 7 और 3 10 और 9 19, औसत के लिए टोटल 3 संख्या 3 से भाग दीजिए, क्या औसत 7 आ रहा है? 19 में 3 का भाग देंगे तो औसत 7 नहीं आएगा। और बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो 8 और 2 10 और 8 18 18 में आप 3 का भाग देंगे तो औसत 6 आएगा, आपको चाहिए 7, तो 2 नंबर भी कैंसिल आपका हो जाता है। बात करें 3 की, तो ये आपकी 5 और 5 10 और 11 21 है, 21 में 3 का भाग दीजिए, औसत 7 आ रहा है। 4 में नहीं आ रहा है, 6 और 4 10 और 10 20 में 7 का भाग देंगे तो औसत 7 नहीं आएगा, तो डायरेक्टली ऑप्शन से
करेंगे तो आपका तीन नंबर यहाँ से सीधा ही करेक्ट हो जाएगा। वैसे आपको यहाँ पर कैसे मेथड से करना है, तो तीन संख्या का औसत सात है, तो मान लेता हूँ तीन संख्या एक्स वाई जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, औसत सात है, क्या मतलब हुआ बट्टा तीन बराबर सात है, या फिर मैं कहूँ कि एक्स प्लस जेड कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21। और इस प्रकार यहाँ पर पहले दो का औसत, पहले दो कौन सी एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई का औसत क्या पांच दे रखा है, मतलब ये पांच गुणा दो दस हो जाएगी। और इसी प्रकार अंतिम दो जो वाई और जेड अंतिम दो है, इसका औसत कितना है, अंतिम दो का आठ है, तो ये आठ दूनी सोलह हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्कीस है और एक्स प्लस वाई दस है, तो एक्स प्लस वाई के स्थान पर दस रखिए, तो जेड कितना आ जाएगा, इक्कीस माइनस दस बराबर 21 माइनस 10 कितना आ गया आपकी जेड, जेड आ गया नो नहीं 11, तो जेड आपके पास 11 आ गया। आपको जहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो कौन से ऑप्शन में जेड 11, तो एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसमें जेड 11 है, तो ऐसे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। और इसी प्रकार आप वाई प्लस जेड की वैल्यू रखो तो एक्स की यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि वाई प्लस जेड 16 है, तो वाई प्लस जेड के स्थान पर 16 लिखिए एक में, तो एक्स बराबर आ जाएगा 21 माइनस 16 पाँच आ जाएगा, तो एक्स पाँच आ गया, एक्स प्लस वाई 10 है, तो एक्स आपकी पाँच है तो वाई भी पाँच हो जाएगा, तो ऑप्शन तीन यहाँ पे पाँच पाँच ग्यारह हो जाएगी एक्स वाई जेड की वैल्यू। अगला सवाल यहाँ पे, जब एक प्राकृतिक संख्या को पाँच छः सात या आठ से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को पाँच छः सात और आठ सात और नौ से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक में एक शेष आता है, ऐसी संख्याओं में से न्यूनतम संख्या कौन सी है, तो ऐसी क्या संख्या निकलेगी जिसमें यदि इन संख्याओं का तो प्रत्येक में एक आपका शेष आएगा। तो यदि मैं बात करूं एक शेष न आए कि पूरा का पूरा भाग चला जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो आप कहेंगे इसका एलसीएम निकालिए। किसी भी संख्या का एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें जिन संख्याओं का अपन एलसीएम निकाल रहे हैं उन सभी का भाग जाएगा उसमें, तो पांच छह सात नौ इनका यदि मैं एलसीएम निकालू तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम के लिए इसमें पाँच आप आज गुणनखंड कीजिए, जिसमें से छः और नौ का कॉमन गुणनखंड हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा है, तो ये 630 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 630 तो एलसीएम आ गया, तो 630 का क्या मतलब है, 630 का मतलब है कि छः तो ये ऐसी संख्या है 630 जिसमें पाँच और सात नौ का भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल जीरो रहेगा, तो ये एक ऐसी कॉमन संख्या निकल के आई है जो कि सबसे छोटी है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसमें अपन यदि इनसे भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। आपको पूछा प्रत्येक में एक शेष रहना चाहिए, यहाँ से तो जीरो रह रहा है, यहाँ से यदि भाग दे रहे हैं 630 में इन संख्याओं का, तो जीरो रह रहा है शेष, पर आपको चाहिए एक, तो इसमें मैं यदि एक ऐड कर दूं तो ये 631 हो जाएगा। अब 630 में देगा तो जीरो रहेगा, यदि एक यहाँ पे प्लस ज़्यादा है तो प्रत्येक में एक शेष बच जाएगा, तो इस प्रकार 631 वो ऐसी संख्या है जिसमें पाँच छः सात या नौ से भाग देंगे तो प्रत्येक में एक शेष रहेगा, तो ये सबसे छोटी संख्या है, इससे कोई छोटी संख्या नहीं मिलेगी, इससे बड़ी तो मिल सकती है क्योंकि 630 है, फिर 630 गुणा दो है, ये भी इनका एक तरीके से एलसीएम रहेगा जिसमें भाग जाएगा पूरा का पूरा, तो आपको सबसे छोटी चाहिए तो वो 631 होगी, ऑप्शन चार करेक्ट है। अगला सवाल, एक अमीर आदमी ने अपनी जायदाद यानी जमीन का अपने पांच बेटों के बीच बंटवारा कर दिया, लेकिन बाद में उसने अपने सबसे छोटे बेटे का हिस्सा वापस ले लिया और उसे अन्य बेटों में बांट दिया जो बाकी चार बेटे थे उनको। यदि सबसे बड़े बेटे के पास अब 93.75 वर्ग मीटर जमीन है तो अमीर के पास यानी जो अमीर आदमी उनका पिताजी था उनके पास शुरुआत में कितनी जमीन थी। शुरुआत में पिताजी के पास जमीन थी, इस जमीन को वो पांच हिस्से कर रहा है, अपने जो पांच पुत्र हैं उनको बांट रहा है, और फिर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पांचों के पास बराबर जमीन आ गई पांचवा हिस्सा, फिर जो जब से मान लेते हैं कि छोटे वाला है इससे जमीन ले ली और बाकी जो चार बेटे थे उनको बांट दी वापस, तो टोटल जो जमीन थी अब इन चार बेटों के पास आ गई है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि सबसे बड़े बेटे के पास 93.75 मीटर है, तो सबसे बड़े बेटे के पास 93.75 मीटर है तो बाकी चारों के पास भी समान रहेगी क्योंकि सभी को हिस्सा दिया गया शुरुआत में, जो सभी को बराबर मिला था पांचों को, फिर सबसे छोटे वाले को लेकर इन सभी चारों को दिया गया बराबर, मतलब सभी के पास अब 93.75 ये है, क्योंकि ये बोल रहा है कि सबसे बड़े के पास इतनी है तो इन बाकी तीनों के पास भी 93.75 होगी। तो अमीर के पास कितनी थी, अमीर के पास जो भी थी वो उनको बेटों को बांट दी है, तो बेटों को कितनी बांटी है 93.75 चार हो जाएगी, छोटे से ले लिया, अब जो चार हैं इनके पास ये टोटल ज़मीन है तो इसको आप चार से गुणा करेंगे तो 375 मीटर स्क्वायर टोटल ज़मीन थी उनके पिताजी के पास में, ऑप्शन ए करेक्ट है। और यदि आप x मान के करें कि मान लेते हैं कि शुरुआत में उनके पिताजी के पास x मीटर स्क्वायर ज़मीन थी, तो फिर पांचों को जो
ऐसा किया तो x बटा पाँच आ जाएगी प्रत्येक के पास, और बड़े वाले के पास भी x बटा पाँच आई होगी। फिर जो x बटा पाँच थी, मान लेते ये छोटे वाला है, इनके पास जो x बटा पाँच थी, इनका फिर हिस्सा किया और इन चारों को बांट दिया, तो x बटा पाँच का चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा, बटा चार करेंगे तो x बटा ट्वेंटी हो गया। अब बड़े वाले के पास कितनी हो गई, शुरुआत में जो हिस्सा किया था x बटा पाँच आई, अब और आ गई x बटा 20 आ गई। ये किसके इक्वल है, ये बोल रहा है 93.75 के इक्वल है। तो ये आप बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपकी शुरुआत में थी, ये 375 मीटर यहाँ से भी आ जाएगी, और आप डायरेक्ट करते हो तो भी आपके 375 वर्ग मीटर आ जाएगी। अगला सवाल, एक पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के समान में है, यदि उनका मूल्य 22.50 रुपए है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, जितने 25 पैसे के सिक्के हैं उतने ही 50 पैसे के सिक्के, तो मान लेते हैं कि x सिक्के हैं, तो 25 पैसे के लिए x सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे। रुपए की बात करें तो पैसों को अपन को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 25 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो 25/4, तो ये 25/4 रुपए हैं, इसके मान लेते हैं कि x सिक्के हैं। इसी प्रकार समान सिक्के हैं 50 पैसों के भी, तो 50 पैसों में कितने रुपए हो गए, 50/100 रुपए, और सिक्के समान है तो इसको भी मैं x से गुणा करूंगा, तो ये आपके आगे 25 पैसों के सिक्कों का मूल्य हो गया, ये 50 पैसों के सिक्कों का मूल्य, टोटल यहाँ से कितना बन रहा है, तो इनका मूल्य बन रहा है 22.50 कर दीजिए टोटल, तो एक्स बटा चार आ जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से आ जाएगा एक्स बटा दो, बराबर आपकी 22.50 है। यहाँ से मैं चार तो x प्लस ये हो जाएगा 2x बराबर 22.5 है, या फिर कह सकते हो 3x बराबर 22.5 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से गुणा चार है, x बराबर ये बट्टा 3 कर दीजिए, तो इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऑप्शन आपका 3 करेक्ट है। अगला सवाल, 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं और 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो उनमें से कितने लोग हैं वो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं, तो यहाँ से आपका वेन डायग्राम बनेगा। मान लेते हैं ये आपके चाय पीने वालों की संख्या का है, ये है कॉफ़ी पीने वालों की संख्या का, और ये जो बीच का उभयनिष्ठ है ये दोनों पीते हैं चाय और कॉफ़ी, तो कॉमन वाले कितने हैं, सबसे पहले देखिए कॉमन का, तो 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कॉमन वाले हैं 1500 लोग हैं। और बात करें के यहाँ पे चाय वालों की, तो 3200 लोग चाय पीते हैं, इन 3200 कॉमन वाला भी आएगा और ये बाकी जो केवल चाय पीते हैं ये भाग भी आएगा, तो टोटल 3200 हैं जिसमें से 1500 तो कॉमन है, तो शेष कितना रह गया, शेष आपके रह गया 1700, तो 1700 लोग वो होंगे जो केवल और केवल चाय पियेंगे, और इस प्रकार टोटल चाय वाले कितने हो गए, 17+15 यानी 3200 यहाँ पर आपको दे रखा है, ये भी आपका 3200 बन रहा है। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का बता रहा है कि 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं, यहाँ से 1500 तो आ गए, अब इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 1000, तो कॉफ़ी के कितने हो गए, 1000 केवल कॉफ़ी और 1500 चाय और कॉफ़ी दोनों, तो यहाँ से कॉफ़ी के हो गए आपके 2500। अब देखिए टोटल यहाँ से कितना हो रहा है, जिसमें चाय और कॉफ़ी सभी आ गए, तो 17+15 प्लस आप 1000 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 4200। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा क्या, पूछा क्या है, उनमें से कितने लोग न तो चाय पीते और न ही कॉफ़ी पीते हैं, तो 5000 थे जिसमें से चाय और कॉफ़ी इन सभी के 4200 लोग हैं, तो कितने रह गए पीछे, तो 800 लोग वो हैं जो न तो चाय पियेंगे और न कॉफ़ी पियेंगे, 5000 माइनस 4200 करेंगे तो 800 ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की आयु के 1/3 थी, यानी 5 वर्ष पहले जो माँ की आयु थी उसकी 1/3 उनके पुत्र की थी, अब आपको पता होना चाहिए माँ की कितनी थी, तो माँ की मान लेते हैं 5 वर्ष पहले माँ की अपन x मान लेते हैं, 5 वर्ष पहले माँ की आयु है x वर्ष, माँ की आयु x वर्ष, तो पुत्र की कितनी है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की भी कितनी होगी, पुत्र की भी x बटा 3 हो जाएगी, क्योंकि ये बोल रहा है पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की 1/3 थी, यानी x बटा 3 हो गई 5 वर्ष पहले। यदि उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान क्या हो जाएगी, 5 वर्ष प्लस कर दीजिए तो उनकी वर्तमान आ जाएगी, वर्तमान आयु का योग 70 है, तो देखिए 5 वर्ष पहले माँ की x है, तो अब वर्तमान में माँ की कितनी हो जाएगी, वर्तमान में आप 5 ऐड कर दीजिए तो x प्लस 5 ही माँ की वर्तमान आ गई, और पुत्र की वर्तमान में हो जाएगी x बटा 3 प्लस 5। अब वर्तमान में इनका योग आपको 70 दे रखा है, मतलब जो x प्लस 5 प्लस x बटा 3 प्लस 5 बराबर है 70, इनको आप ऐड कीजिए
तो 5 और 5 10 है, इस साइड आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 70 माइनस 10 बराबर 60, यानी x प्लस एक्स बट्टा 3 बराबर 60 हो गया। तो 3 यहाँ से एलसीएम आ गया, 3x प्लस x बराबर 60 है, यानी 4x बराबर आपके 60 गुणा 3 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 15 गुणा 3 यानी 45। आपको पूछा है माँ की वर्तमान आयु, x बराबर 45 क्या है, 5 वर्ष पहले माँ की आयु आपने x मानी थी, में 5 और ऐड कर दीजिए वर्तमान की पूछा है, तो 45 प्लस 5 जो कि 50, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला सवाल, चेतना अपने घर से शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन उसी रास्ते से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आ गई, दो तरफा यात्रा में उसे 19.5 घंटे लगे हैं, तो चेतना के घर से शहर की आपको दूरी पूछा है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं दूरी है, चेतना के घर से शहर की दूरी है x किलोमीटर, दूरी अपन ने मान ली। अब जो चेतना अपने घर से शहर जा रही है वो किस स्पीड से जा रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो उनको शहर जाने में समय कितना लग जाएगा, टोटल दूरी x किलोमीटर है, समय दूरी बटा चाल होता है, तो शहर जाने में जो समय लग जाएगा, दूरी x है बटा चाल कीजिए 8 हो जाएगा, ये शहर जाने में समय है। इस प्रकार से वापस घर आने में समय कितना लग जाएगा, तो दूरी तो वही सेम है, उसी रास्ते से आ रही है, तो सेम दूरी x है, वापस घर आने में समय के लिए इनकी रफ्तार भाग दीजिए 5 का, तो ये वापस आने का हो गया, टोटल समय के लिए आप प्लस कीजिए, और टोटल आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 19 सही 1/2 यानी 39/2, और इसको आप एलसीएम लीजिए 8 और 5, तो ये हो जाएगा 40, और 5x प्लस 8x बराबर 39/2, 2 काटूँ तो यहाँ से 20 हो जाएगा, और 8 और 5 कितने हो गए, 13x, तो 13x/20 = 39 है, और 39 में 13 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया। अब x बराबर कितना है, 20 × 3 यानी 60 हो जाएगा, x जो आपने माना है टोटल दूरी घर और शहर की वो 60 निकल के आई है, ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है और वह संभावित संख्या क्या है। देखिए ऐसे सवाल में आप ऑप्शन से ट्राई कीजिए, जल्दी हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, तो मैं मान लेता हूँ ऑप्शन 1 से ट्राई करूँ कि एक संख्या, शुरुआत में वो संख्या 1 मान लेता हूँ, क्योंकि 1 सभी बहुत से ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में 1 दे रखा है। तो एक संख्या का वर्ग, 1 का वर्ग, एक संख्या आपने 1 माननी है, तो उसका वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। एक संख्या का वर्ग यानी जो 1 का वर्ग 1 है, ये उसी संख्या के दोगुने से, उसी संख्या जो आपने 1 मानी है, इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या 1 का वर्ग जो ये इसी संख्या के दोगुने से यानी 2 से 3 अधिक है, तो 2 से 3 अधिक नहीं, ये उल्टा 1 कम है, तो 1 तो हो ही नहीं, संख्या 1 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो जो भी 1 ऑप्शन में है वो आप डिलीट कर दीजिए, 1 वाला है, 2 वाला है, इन दोनों में 1 दे रखा है, मतलब ये नहीं हो सकते दोनों ऑप्शन। अब बात रही 3 और 4 की, इसमें देखिए क्या 3 वाला बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 3 1 में भी दे रखा है, इसमें भी देखिए इन दोनों में 3 और -3 में कौन सा बैठ रहा सही। तो एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने, यहाँ पे मैं 3 मानूँ तो एक संख्या का वर्ग 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, उसी संख्या के दोगुने से यानी 3 का दोगुना कितना हो गया, 6 हो गया। क्या 3 का वर्ग उसी संख्या के दोगुने यानी 6 से 3 अधिक है, बिल्कुल 6 से 9 3 अधिक है, मतलब वो 3 हो सकता है। यदि -3 माने तो एक संख्या का वर्ग -3 का वर्ग कितना हो जाएगा, +9 होगा, दोगुने से 3 अधिक है, दोगुना कीजिए, 2 किया तो आपने -6 से 9 कितना अधिक है, 3 नहीं बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाएगा, तो ये तो आपके हो ही नहीं सकता -3, तो हो सकता है 3, और 3 वाले में आप देखिए सिर्फ 3 में ये -1 का ही मैच कर रहा है, -1 का सही है, क्योंकि एक संख्या का वर्ग जो -1 का आप वर्ग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसके दोगुने से, तो -1 का दोगुना किया तो आपके -2, क्या -2 है, ये आपका 1 आया है वर्ग, ये दोगुने से 3 अधिक है, बिल्कुल अधिक है, क्योंकि -2 में आप 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी ये 3 अधिक है, ऑप्शन यहाँ से 4 आपका संतुष्ट हो रहा है। वैसे आप कैसे कर सकते हो बिना ऑप्शन के, तो बिना ऑप्शन के लिए एक संख्या का वर्ग मान लेते हैं, वो संख्या x है, तो x का वर्ग यानी x स्क्वायर हो गया, उसी संख्या के दोगुने से, तो ये जो x स्क्वायर है उस
कौन सी एक्स मानी अपन ने, उसी संख्या का दोगुना यानी दो एक्स से कितना अधिक है, तीन अधिक है तो प्लस तीन, तो ये इसका स्क्वायर बराबर उसी संख्या के दोगुना प्लस तीन करेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो। अब आपको यहाँ से गुणनखंड करना है, माइनस दो एक्स के मैं क्या टुकड़े करूँ कि गुणा करने पर छः आ जाए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स और छः आना चाहिए तो तीन हो जाएगा, माइनस तीन एक्स प्लस एक्स माइनस छः, क्योंकि गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस तीन एक्स स्क्वायर, तो आपको माइनस तीन एक्स स्क्वायर चाहिए, और ये माइनस दो एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस तीन एक्स प्लस एक्स, तो इसमें आप कॉमन ले लीजिए एक्स आ जाएगा और अंदर एक्स माइनस थ्री, इसमें भी एक्स ले लीजिए अंदर आपके एक्स नहीं इसमें वन लीजिए अंदर रह जाएगा एक्स माइनस थ्री, क्योंकि एक ही कॉमन आ रहा है। अब देखिए एक्स माइनस थ्री दोनों में कॉमन, तो एक्स माइनस थ्री हो गया और एक्स प्लस वन बराबर में क्या है जीरो। अब यहाँ से क्या कह सकते हो, या तो एक्स बराबर तीन हो सकता है या एक्स बराबर माइनस वन, तो एक्स तीन और माइनस वन ऑप्शन चार करेक्ट है। अगला सवाल, यदि एक समभुज त्रिभुज की एक भुजा आपको छः रूट तीन दे रखी है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। समभुज त्रिभुज का मतलब एक संभव त्रिभुज है, संभव त्रिभुज में क्या होता है सभी भुजाएँ समान होती हैं, इसमें आपको एक छः बट्टा छः रूट थ्री दे रखा है तो ये सभी तीनों भुजाएँ छः रूट थ्री होगी। इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई है ये आधार को लंब समद्विभाजित करेगी, तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा और दो भाग समान होंगे, तो ये छः रूट तीन है तो इसका दो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन रूट तीन हो जाएगा, तो ये भी तीन रूट तीन, ये भी तीन रूट तीन हो गया। आपको पूछा इसकी ऊंचाई जो कि ये वाली आपको ज्ञात करनी है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, यहाँ से जो कर्ण का स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आपको ये चाहिए लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर जो एच का स्क्वायर है ये कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर दीजिए तीन रूट तीन का स्क्वायर, तो छः रूट तीन का स्क्वायर माइनस तीन रूट तीन यानी 108 माइनस 27 जो कि है 81 के इक्वल, तो एच का स्क्वायर 81 है तो एच क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालिए 9, हाइट आपके आ गई 9 सेंटीमीटर। अगला सवाल, गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया, तो टोटल कितने ऐसे घर हैं जहां पर बिजली कनेक्शन नहीं है, तो 1200 घर हैं। अब यहां पर निर्णय लिया गया कि इनको बिजली उपलब्ध कराएंगे और टारगेट रखा गया यहां से विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है, यानी 75% वर्ष है वो प्रति वर्ष विद्युतीकरण हो रहा उनका, तो दो साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या बताइए, तो 75% हो रहा है एक वर्ष में, टोटल 1200 घर हैं तो एक वर्ष में कितना हो गया, यहाँ से 1200 का आप 75% निकालेंगे, 1200 गुणा 75/100 करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 900, यानी 900 घरों में बिजली कनेक्शन हो गया एक साल में, 100 घरों में हो गया। अब शेष कितने रह गए, 1200 माइनस 900 आप कहेंगे 300, अब इन 300 का होगा सेकंड साल में, तो सेकंड साल में वही टारगेट है 75% का, तो 300 का 75% निकालिए 300 गुणा 75/100 यानी 75 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 225। तो नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे साल में कितने हो गए, 225 हो गए, और आपके पास थे कितने शेष, 300 थे, 300 में से 225 हो गए, अब शेष कितने रह गए, 75 शेष रह गए, तो दो साल बाद कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है, तो वो है 75। अगला सवाल, ऐसी लघुतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से विभाजित करने पर हर बार 5 शेष बचता है, तो लघुतम संख्या पूछा है यानी आपको एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा गुणज निकलेगा 6, 15, 18 का जिसमें अपन यदि उसमें भाग देंगे 6, 15, 18 का तो आपका जीरो शेष बच जाएगा, क्योंकि वो इनका एलसीएम है, गुणज है, कॉमन आपका मल्टीपल रहेगा, और आपको चाहिए 5 बचने चाहिए, तो उस एलसीएम में आप 5 ऐड कर दीजिए और वहां से आपकी 5 है वो रिमाइंडर बच जाएंगे, तो 6, 15, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 15, 18 का जो एलसीएम है वो होता है 90, आपको चाहिए यहाँ पर 5 बचना, 90 में अपन यदि इनका भाग देंगे तो जीरो बचेगा, यदि यहाँ से 5 ये ज़्यादा हो जाए तो आपका हर संख्या से भाग देंगे इन तीनों से तो 5 यहाँ से रिमाइंडर रह जाएगा, तो 90 प्लस 5 यानी 95 वो लघुतम संख्या है, इससे छोटी नहीं होगी, इससे बड़ी तो हो सकती है, क्योंकि 6, 15, 18 का 90 है एलसीएम, और मैं करूँ तो 90 गुणा 2 हो जाएगा और इसका जो गुण निकल के आएगा वो 180 आएगा, तो 180 प्लस 5 करेंगे तो जैसी भी ऐसी एक संख्या रहेगी जिसमें अपन इन तीनों से भाग देंगे तो 5 रहेगा, लेकिन आपको चाहिए लघुतम संख्या, उससे छोटी कोई संख्या नहीं है, तो 90 से छोटी कोई संख्या नहीं है, 95 से छोटी जिसमें 5 शेष रह जाए।
अगला सवाल, 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसमें निहित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है जब जी 9.8, तो स्थितिज ऊर्जा होती है एम जी एच के इक्वल, एम आपको दे रखा है 15 किलोग्राम, जी देखिए 9.8 है, सभी यूनिट देखिए एक ही सेम है, जैसे कि एसआई में है सभी तो एसआई में रहने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर सेंटीमीटर होता ग्राम होता तो इसको आपको किलोग्राम में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता, हाइट आपको 5 दे रखी है तो इनका गुणा करेंगे तो 735 जूल, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है, तो जो धारा विभवांतर है ये धारा के समानुपाती होता है और इसके मध्य एक कांस्टेंट आता है जो कि आर है, प्रतिरोध होता है, तो ये जो आर नीतांक है यानी वी बटा आई बराबर नीतांक, तो ये सभी स्थिर ताप पर होते हैं तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, वी बटा आई बराबर 1। नेक्स्ट, यहाँ पे एक आदमी अपने आमदनी का 2/5 हिस्सा खर्च करता है तो उसके पास 90 रुपये बचते हैं, शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, तो देखिए यहाँ पर आदमी है उस वो हिस्सा कितना खर्च करता है, 2/5 खर्च करता है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यदि उसके पास टोटल 5 रुपये की आमदनी है उसमें से ये 2 रुपये खर्च करेगा, 2/5 का यही मतलब है, तो 2 रुपये खर्च करेगा तो इसके पास कितने रह जाएंगे, 5 टोटल इनकम है, 2 ये खर्चा कर रहा है तो शेष कितने रह जाएंगे, शेष रहेंगे 3। क्वेश्चन बोल रहा है उसके पास 90 बचते हैं, मतलब ये 3 है 90 के इक्वल, 1 कितने के हो जाएगा, 1 30 के हो जाएगा, आपको पूछा है शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, तो शुरुआत में जो आमदनी थी उसके पास 5 रुपए थी, 1 30 के इक्वल कितने के हो जाएगा, 5 × 30 यानी 150, शुरुआत में उसके पास 150 थे, खर्चा कितने का किया है तो 2 × 30 60 का उन्होंने खर्चा किया है, शेष कितने रहेंगे तो शेष यहां से 90 रह जाएंगे, 150 माइनस 60 करेंगे तो। अगला सवाल, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस 466 रुपये हैं और यहाँ पर लाभ परसेंटेज कितना दे रखा है, 16.5% है, यदि उस वस्तु को रुपये 330 में बेचें तो उसे प्रतिशत का नुकसान होगा, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए वो वस्तु है कितने की यानी उसका सीपी कितने का है, जब सीपी मालूम होगा और उसको अपन जो वो कितने में बोला गया है 330 में बोला गया है तो आपको लाभ का पता चल जाएगा, तो क्रय मूल्य के लिए आप क्या करते हैं, सीपी बराबर होता है एसपी गुणा 100/100 प्लस लाभ परसेंटेज है या फिर 100 माइनस हानि दे रखी है, तो सीपी बराबर आपके हो जाएगा एसपी है 466 × 100/100 प्लस लाभ कितना है 16.5 है, 100 + 16.5 होगा तो 116.5 और 466 में 116.5 का भाग जाएगा आपकी 4 बार चला जाएगा तो सीपी कितना आ गया 400 रुपये आ गया, और ये जो 400 की वस्तु है क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि इसको 330 में बेचें तो कितने का नुकसान होगा, तो भाई 400 की चीज़ यदि अपन 330 में बेचेंगे तो डायरेक्ट 70 का नुकसान हो रहा है 400 पर, तो परसेंटेज की तो गुणा 100 कर दीजिए तो यहां से आपका नुकसान हो जाएगा 70/4 यानी 17.5% की हानि, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला सवाल, 200 वोल्ट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 3 घंटे के लिए उपयोग किया, बल्ब के द्वारा 1 सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा गणना कीजिए यानी 7 दिन में कितनी यहाँ पे यूनिट ऊर्जा खर्च हो रही है, तो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ लगभग प्रत्येक सेट में इस टाइप से एक सवाल आ रहा है कि एक यूनिट होता है ये 1 किलो वॉट ऑवर के इक्वल होता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, तो यहाँ से देखिए कितने किलोवाट घंटा आ रहे हैं, जितने किलोवाट घंटा आएंगे उतने ही यूनिट आपके खर्च होंगे, और ये किसके इक्वल होते हैं कितने जूल के, तो 3.6 × 10^6 जूल, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 1 यूनिट बराबर इतने जूल या फिर 1 किलोवाट ऑवर में इतने जूल होते हैं, अब आपको देखना है कितने किलोवाट ऑवर ऊर्जा खर्च हो रही है, कितने किलोवाट ऑवर, तो किलोवाट ऑवर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वाट निकालना है, तो 200 वाट दे रखा है इसको किलोवाट में बदलिए तो 200 वाट में कितने किलोवाट हो जाएंगे, आप 1000 से भाग दीजिए क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 200 वाट में 200 किलोवाट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ओवर की बात करें कितने घंटे लगे हैं, तो प्रतिदिन 5 घंटे हैं और कितने दिन हो रहे हैं 7 दिन हो रहे हैं, 1 सप्ताह है, तो कितने घंटे हो गए 7 × 5 कर दीजिए यानी 35 घंटे हो गए, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 × 10 = 10 गया और 7 आपके पास रह जाएगा यानी 7 ये किलोवाट ओवर आपकी ऊर्जा खर्च हुई है, 7 किलोवाट ओवर यानी 7 यूनिट क्योंकि 1 किलोवाट ओवर बराबर 1 यूनिट है तो 7 किलोवाट ओवर बराबर 7 यूनिट, ऑप्शन 3 करेक्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड द्रव्यमान के अनुसार सी ए
ओ यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? तो कैल्शियम के यहाँ पर होता है जो द्रव्यमान होता है वो 40 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। और इसका यदि अपन अनुपात निकालें, यानी अपन इसमें किसका देगा, 8 का दोनों में जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5 और 2 का अनुपात, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, यहाँ पे √3 बराबर 1.732 है, तो 1/√3 कितना होगा? यदि यहाँ पे मैं डायरेक्ट √3 की वैल्यू रखूँ तो आपको 1 में ये भाग देना पड़ेगा पॉइंट का, जो काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए आप हर का प्रिमीकरण कर दीजिए, √3 को प्रिमी संख्या में बदल दीजिए, तो ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करेंगे जो हर में है, तो आपका प्रिमीकरण हो जाएगा। तो √3 नीचे गुणा किया, ऊपर यहाँ पे क्या आ गया, 1 × √3 यानी √3, √3 और √3 का गुणा 3 हो गया। अब यहाँ पर आप √3 की वैल्यू रखिए जो कि है 1.732, इसमें आप 3 का भाग दे सकते हो जो कि आंसर आ जाएगा 0.577, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 3 और 5 है, तो ये रेशियो हो गया 3 और 5 का। यदि इसमें प्रत्येक में 10 जोड़े तो अनुपात हो जाता है 5 और 7 का। कब होता है, जब प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है। यहाँ से मैं डायरेक्टली देखूँ 3 से हो रहा है 5, मतलब यहाँ से एक तरीके से 2 जोड़ा जा रहा है, 5 से 7 हो रहा है। आप यहाँ पे प्रश्न में बोल रहे हो कि प्रत्येक में 10 जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं रेशियो में देखूँ तो प्रत्येक में आपको लग रहा है 2 जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब जो 2 10 के इक्वल है, 1 आपके 5 के इक्वल है, आपको पूछा है वो संख्याएं कौन सी है, तो 3 और 5 यदि माने, 1 5 के इक्वल है, तो 3 × 5 कर दीजिए और 5 × 5 कीजिए, संख्याएं आ जाएगी 1 15 आ जाएगी, और 5 और 5 25 और 15, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 5, 3 और 1 है, यदि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 414 मीटर² है, तो मीटर में उसकी भुजाओं की माप है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है, घनाभ का होता है 2 गुणा पूरा ये गुणा हो जाएगा, कोष्टक आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। यहाँ पर यहाँ पर दे रखा है भुजाओं की अनुपात, यानी भुजाएं दे रखी हैं, इसको मैं मान लेता हूँ भुजाएं 1 5x है, अनुपात हटाऊँ तो 1x है और 1x है, ये आपको भुजाएं मिल जाएगी। रेशियो में है 5 3 1, तो भुजाएं आपने मान ली 5x 3x और x है। अब आप भुजाओं की वैल्यू रखिए, इसके बराबर यहाँ पे कितना आना चाहिए, क्षेत्रफल 414 हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई का गुणा कीजिए, 5 और 3 का गुणा 15x² हो जाएगा, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई के 3x और x का करेंगे तो ये 3x² आ गया, और ऊंचाई और लंबाई यानी x और 5x का करेंगे तो 5x² आ गया, बराबर में आपके 414 है। तो यहाँ से इसको मैं ऐड करूँ, 5 और 5 10 और 3 13 आपके हो जाएंगे, 20 और 3 23, 23x² बराबर में 2 का भाग इससे जाएगा यदि, तो ये हो जाएगा 207। तो x² कितना हो गया, x² हो जाएगा 207/23 यानी 9 हो गया, x² 9 है, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब x 3 है तो आपने भुजाएं मानी थी 5x 3x, x क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 3 रखिए, 5 × 3 15, 3 × 3 9 और 3 15 9 3, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक बस है जो कि 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पकड़ लेती है, तो बस ज्ञात कीजिए। त्वरण होता है क्या है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर होता है, यानी वेग बटा समय होता है त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है वो देखिए, वेग में परिवर्तन हो रहा है 36 से 72 हो रहा है, यानी 72 − 36 करेंगे तो ये हो रहा है 36। वेग कितना बढ़ रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जो आंसर दिया गया है वो मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, यानी जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, तो बड़ी को छोटे में कन्वर्ट करना है तो आप गुणा कीजिए 5/18 से, यदि छोटे को बड़े में करना है यानी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18/5 से करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड के लिए आप 5/18 से करेंगे, तो 18 का 36 में 2 बार भाग, 5 × 2 = 10 हो गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ से वेग में परिवर्तन हो रहा है। कितने सेकेंड में हो रहा है, तो ये हो रहा है 5 सेकेंड में, तो 10/5 करेंगे तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड² जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला सवाल, 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हुआ, कुल कार्य की बात करें तो कुल काम हो जाएगा जितने आदमी हैं उससे गुणा कर दीजिए दिन का, तो 800 आदमी हैं और 30 से गुणा किया तो ये मान लेते हैं इतना यूनिट आपके पास काम है। इसमें से यहाँ पर 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो ये जो 800 आदमी टोटल थे इन्होंने कितने दिन काम किया, 12 दिन किया, तो काम कितना हुआ, काम हुआ 800 × 12 दिन कर दिया तो इतना काम हो गया, बाकी काम कितना रह गया, तो 800 × 30 में से 800 × 12 कीजिए, 800 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 ×
18। अब आपके पास ये शेष कार्य इतना है और आदमी कितने रह गए, 80 आदमी काम छोड़ देते हैं तो 800 में से 80 गए तो पीछे 720 आदमी, 720 आदमी है इतना काम करवाना है, कितना दिन लगेगा तो 720 का इसमें भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा 20 डे। नेक्स्ट यहाँ पे 3364 है, ये किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है, 3364 का वर्गमूल क्या है। ओके, तो यानी ये किसका वर्ग है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन से ट्राई करना है, इजीली हो जाएगा। जैसे कि 64 की बात करें तो 64 यहाँ पे लगभग 60 के, तो 60 का स्क्वायर होता है 3600। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3364 है जो कि 60 से कम है, 60 के स्क्वायर से कम है, मतलब ये 64 तो हो ही नहीं सकता, ये तो 60 से ज़्यादा है, क्योंकि 3600 आ रहा है 60 का, ये 3364 है, ये तो 60 से कम ही रहेगा, तो 62 भी नहीं हो सकता। आपके पास ऑप्शन 58 और 52 बचे हैं। अब बात करें 52 लगभग 50 के आसपास आता है, तो 52 का 25 का 50 का 2500 हो जाएगा और 60 का 3600 होता है। आपको जो 3364 दे रखा है ये किसके पास में है, 60 के पास में है, न कि 50 के पास में वैल्यू है, तो 3364 जब 60 के पास में है तो ये 58 रहेगा 60 वाला, तो ऑप्शन 3 यहाँ से हो जाएगा 58, या फिर आप यहाँ से ट्राई कर दीजिए, यदि आपके 58 एज ए पास आ रहा है तो 58 का स्क्वायर करके आप ट्राई करेंगे तो यही 3364 आएगा, तो एक ही ऑप्शन से आपकी इजीली हो जाएगा ऑप्शन 3। बाकी आप चाहो तो इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, 3364 है। भाग विधि के लिए आप क्या करते हैं कि इसमें 2 का ये पैर बना दिया, अब शुरुआत में आप भाग दीजिए 33 में, 33 में किसका स्क्वायर करूं कि 33 या उससे कम वैल्यू मिल जाए मेरे को। जैसे कि 5 का करेंगे तो 25 है, 6 का करेंगे 36 है, तो 5 का है क्योंकि 6 का तो ज़्यादा हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, 5 और 5 का करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो कितने का किया मैंने, 5 का किया। अब आपको क्या करना है, जो भी आप कर रहे हो उसको ऐड कीजिए, 5 और 5 ऐड की तो 10 हो गए, और 33 माइनस आप 25 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके 8। अब आपका अगला पैर यहाँ आ जाएगा जो कि 64 है। अब यहाँ पे 10 है और इसके आगे मेरे को जो संख्या रखूँगा उसी से मैं नीचे गुणा करूँगा, जैसे कि मैंने इसके आगे रख दिया 8 रख दिया, तो इसके नीचे मैं 8 से गुणा करूँगा, 108 का यदि मैं 8 से गुणा करूँ कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा। तो मैंने किससे गुणा किया, 8 से किया, तो ये 8 आ जाएगा। अब आपके यहाँ से कीजिए नेक्स्ट स्टेप, यदि ये 0 नहीं रहता तो आगे आप करते, ये 0 आ गया और आपके पास कोई पैर भी नहीं है, और अगला स्टेप आप क्या करते, इसको ऐड करते 108 प्लस 8 यानी 116, फिर यदि कोई होता तो नीचे और करके आप गुणा करते हुए इस प्रकार करते, जो भी यहाँ पे रखते सेम संख्या से आपको गुणा करना होता है क्योंकि ये स्क्वायर का है, 58 आंसर आ गया आपके। नेक्स्ट यहाँ पे 0.00067 का दशमलव के 3 अंकों तक सही मान निम्न में से किसके इक्वल है, तो ये 0 से शुरू संख्या है, ये 0 की है, 0 पॉइंट से हो रही है शुरुआत में, तो आपको चाहिए दशमलव के 3 अंकों के मान, तो जहाँ से संख्या स्टार्ट हो जाती है 0 नहीं रहता है, देखिए यहाँ से 6 है, अब आप देखिए 3 अंक 1, 2, 3 है जो कि 6 से 9 है, और यहाँ से पीछे 4 है जो कि 5 से बड़ा है, मतलब इसमें आप आगे एक ऐड कर दीजिए, 769 में एक ऐड कर दीजिए तो 770 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके 3 अंकों तक 0.3 और 670 जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पे, उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात करें जिसमें 19 जोड़ने पर ये 36, 64 और 90 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो इसको मैं ऐसे कहूँ कि वह न्यूनतम संख्या जो, ऐसे एक बार इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जिसमें 19 जोड़ने पर, 19 नहीं जोड़ रहा हूँ फिलहाल, कि वह न्यूनतम संख्या जो 64 और 90 से पूर्ण विभाजित हो जाए, तो आप कहेंगे वो एलसीएम होगा इसका, न्यूनतम पूछा है, एलसीएम निकालिए, एलसीएम कॉमन एक गुणज होता है, मल्टीपल होता है, जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, तो 36, 64 और 90 का जो एलसीएम यहाँ पे निकल के आएगा वो हो जाएगा 2880, तो इनका एलसीएम आ गया 2880। अब 2880 वह संख्या है जो कि 36, 64 और 90 से विभाजित हो रही है, आपको क्या पूछा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें 19 जोड़ने पर ये इस इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसमें 19 जोड़ने पर, अभी इसमें कुछ नहीं जोड़ा है, उसको 19 माइनस कर दीजिए तो वह न्यूनतम संख्या आएगी, ये आ जाएगी 2861। तो 2861 वह संख्या है जिसमें यदि मैं 19 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 19 जोड़ दूं 2880 आ जाएगा, तो ये 2880 इनसे पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है क्योंकि ये इनका एलसीएम है, तो वह न्यूनतम संख्या जो
इन वह न्यूनतम संख्या जो इनका एलसीएम है, और इसमें 19 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब इसके एलसीएम में से आप 19 माइनस कीजिए, तब वह संख्या आएगी जिसमें 19 जोड़ने पर यह विभाजित होगी, और यदि ये 19 का न आए तो डायरेक्ट आप एलसीएम निकालिए। अगला सवाल, एक व्यक्ति कोई उत्पाद है वो रुपये 80 में 20 पीस की दर से खरीदता है, मतलब जो 20 पीस की रेट है वो है 80 रुपये, 80 रुपये ये क्रय करता है, सीपी कह सकते हो, और उन्हें रुपये 50 में 9 पीस की दर से बेचता है, यानी 9 पीस की जो एसपी सेल करता है वो 50 रुपये, 9 पीस बेचता है 50 रुपये में, तो व्यक्ति को कितना लाभ या हानि हो रही है। तो इसके लिए आपको पीस की संख्या सेम करनी होगी कि कितना लाभ और हानि हो रहा है। यहाँ पे 20 पीस बेच रहा है 80 रुपये में, तो एक पीस की बात करूँ तो एक पीस वो कितने में बेचेगा, 20 का 80 रुपये है, तो एक के लिए 80/20 करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 रुपये। जब एक पीस का 4 रुपये है, इसको यदि मैं सेकेंड वाले एसपी के बराबर करूं कि 9 पीस 50 रुपये में बेचता है, एक पीस ये 4 रुपये में खरीदता है, तो 9 पीस कितने में खरीदेगा, तो 9 पीस खरीदेगा, एक पीस जब 4 में खरीदेगा तो 9 गुणा 4 कर दीजिए आपके 9 पीस की वैल्यू, तो 9 पीस खरीदेगा ये 36 रुपये में। अब जब 9 पीस ये 36 रुपये में खरीद रहा है, यहाँ पे पीस की संख्या समान आ गई और 9 पीस ये 50 में बेच रहा है, तो 36 में खरीदा 50 में बेचा, कितने का लाभ हो गया, तो लाभ हो गया यहाँ पे 14 का। लाभ परसेंटेज की बात करें तो सीपी पे निकलता है, तो 36 का भाग दे दीजिए 14 में, तो 14 भाग 36 और परसेंटेज के लिए आप गुणा कर दीजिए 100 का। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका लाभ आ जाएगा 38.8%, ऑप्शन 3। अगला सवाल, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तो ए मान लेते हैं जो पाइप है वो 12 घंटा में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 15 घंटा में भर सकता है, और दोनों मिलकर टंकी को आधा भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो इनका एलसीएम लीजिए, टंकी की क्षमता आ जाएगी, तो 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, तो मान लेते हैं 60 लीटर की टंकी है, ये एक जो पाइप ए है 12 घंटा में भर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 लीटर भरेगा, और जो 15 घंटे में भर सकता है वो 1 घंटे में भरेगा 4 लीटर। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, टंकी को आधा भरने में 60 लीटर टंकी भरने की क्षमता है, आधा के लिए आपको चाहिए 30 लीटर यहाँ पे भरना है, और 1 घंटे में यदि दोनों साथ खोलेंगे तो कितना भरेंगे, 5 और 4 9 भरेंगे, और 30 लीटर भरना है तो कितना लगेगा, 30 भाग 9 करेंगे, तो ये 3 बार जाएगा भाग, 27 आ जाएगा, फिर 3 में और 9 का देंगे, या फिर कह सकते हैं 3 सही 1/3 घंटे, ऑप्शन 2 करेक्ट। अगला सवाल, यहाँ पे एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया है, तो मान लेते हैं ये कोई एक मीनार है, इसके ऊपरी हिस्सा ये इसका टॉप है, ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया, तो इस टाइप से वस्तु को अपन फेंकेंगे ऊपर की दिशा में, और ये वापस ऐसे कुछ इस टाइप से नीचे गिर जाएगी, तो ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया जो कि 5 सेकेंड बाद जमीन पर गिरती है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो वस्तु को समय लगा है वो 5 सेकंड का लगा है टोटल समय, तो वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है, मान लीजिए यहाँ से अपन फेंक रहे हैं वस्तु को, वो अपन फेंक रहे हैं 12 मीटर पर सेकंड वेग से फेंक रहे हैं, तो मीनार की हाइट जो यहाँ तक मीनार थी इसकी आपको ज्ञात करनी है। तो एक तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे आपको फॉर्मूले से ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे कि आपको गति का सेकेंड समीकरण पता है कि जो हाइट है दूरी होती है s बराबर ut+ ½ gt² होती है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो g है जैसे कि ये अपन फेंक रहे हैं गुरुत्व बल के विरुद्ध फेंक रहे हैं ऊपर की दिशा में, तो g माइनस लेना है, तो s आपको चाहिए, u इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी 12 मीटर पर सेकेंड, टोटल टाइम आपको दे रखा है 5 सेकेंड का, और यहाँ से g माइनस करूँगा तो -1/2 × g, यदि मैं 10 मान लूँ तो 10 × t² यानी 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके -65, मतलब जो ये वाली दूरी आ गई आपके 65
मीटर आ गई, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ये आप डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हो फॉर्मूले से। इसको कैसे आप समझ के कर सकते हो, देखिए यहाँ से वस्तु आप फेंक रहे हो 12 मीटर पर सेकेंड पर, और यहाँ पर जब वस्तु जाएगी अंतिम यहाँ तक, तो अंतिम वेग हो जाएगा एक बार जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद वापस वस्तु नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी, तो उच्चतम बिंदु पर वस्तु का वेग जो होता है वो जीरो होता है। तो मान लें यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टोटल उनको कितना समय लगेगा है, तो जो गति का प्रथम समीकरण कहता है वी बराबर यू प्लस एटी या जीटी कर दीजिए। तो वी यहाँ से हो रहा है आपके अंतिम वेग जीरो है, यू आपने माना है 12 मीटर पर सेकेंड से, और ऊपर की दिशा में फेंक रहे हैं जी माइनस में लेना है, तो माइनस में जी 10 ले लेता हूँ, आपको टी चाहिए, तो यहाँ से 10 टी बराबर 12 या फिर टी बराबर आ जाएगा 1.2 जो सेकेंड लगा है, यानी जो वस्तु को यहाँ से लेकर उच्चतम बिंदु पर जाने में समय लगा है 1.2 सेकेंड, और जो वस्तु यहाँ पर वापस आएगी इस बिंदु तक, इसमें भी इसको सेम समय लग जाएगा 1.2 सेकेंड, यानी 2.4 सेकेंड का समय लग गया यहाँ तक। अब वस्तु जो यहाँ तक आएगी टोटल 5 सेकेंड का लग रहा है, 5 सेकेंड में 2.4 सेकेंड तो ये हो गया, तो वस्तु को यहाँ से नीचे आने में कितना समय लगेगा, 5 - 2.4 यानी ये लग जाएगा 2.6 सेकेंड। अब 2.6 सेकेंड में वस्तु यहाँ पहुँच रही है, तो यहाँ से ये 12 मीटर पर सेकेंड से छोड़ी गई है, तो जब ये सेम लेवल पर आएगी तो उसका वेग सेम रहेगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप मानिए इस समीकरण में आप अप्लाई कीजिए s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर में, तो आपकी हाइट निकल के आ जाएगी ये वाली h, क्योंकि यहाँ स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। तो s बराबर u कौन सा, यहाँ पर जो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही वस्तु, तो इनिशियल यहाँ से वेग 12 ही है, तो 12 टी आपका, टी देखिए अब टी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय ले रही है, 2.6 सेकेंड का, 12 गुणा 2.6 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये गुरुत्वीय बल के विरुद्ध नहीं है, सेम उसी दिशा में आ रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो प्लस ले लीजिए हाफ जी टी स्क्वायर, यानी 1/2 गुणा 10 टी आपके हैं 2.6 का स्क्वायर कीजिए, 2.6 गुणा 2.6 इसका स्क्वायर किया, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी सेम वैल्यू आएगी 65 मीटर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो समझ के, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे तो आपको माइनस लेना पड़ेगा ये जी, और ऐसे भी आपके 65 आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला सवाल, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 440 किलोमीटर है, तो मान लेते हैं कोई दो स्टेशन है यहाँ से यहाँ तक, इनके मध्य की दूरी है वो 440 किलोमीटर है, एक ही समय पर दोनों ट्रेनें उस स्टेशनों से समानांतर ट्रैकों पर चलती हैं, तो दो ट्रैक है यहाँ पर ये समानांतर, एक ट्रेन आ रही है दूसरी जा रही है, एक इस साइड से एक इस साइड से, और यहाँ पर आगे दिया है कि एक ट्रेन की गति दूसरे ट्रेन की गति से 5 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा है। मान लेते हैं कि इस वाले की गति है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस वाले की गति हो जाएगी एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 5 ज़्यादा है। आगे क्या दिया है कि यदि ट्रेनों के 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी 210 किलोमीटर है, तो ट्रेनों के चलने के 2 घंटे बाद जैसे कि एक यहाँ पर आ गई दूसरी यहाँ पर आ गई, अब इनके मध्य की जो दूरी रह गएगी वो 210 किलोमीटर रह जाएगी। मतलब इन दोनों ने 2 घंटे बाद टोटल कितनी दूरी तय की है, जब 440 टोटल थी और 2 घंटे बाद इनके मध्य 210 किलोमीटर रह जाएगी, तो टोटल इन्होंने तय की है 440 - 210 यानी 230 किलोमीटर दूरी इन्होंने तय कर ली है 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद ये कितनी दूरी तय करेगी, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 2 घंटे बाद ये करेगी 2x किलोमीटर। इसी प्रकार ये कितने करेगी, तो ये भी करेगी 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि आपके चाल गुणा समय ही दूरी होती है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगी 2x + 10। तो ये टोटल दूरी हो गई 2 घंटे बाद दोनों की, और ये सवाल कि 2 घंटे बाद दोनों के मध्य 210 की गैप रह जाता है, मतलब इन दोनों ने टोटल दूरी तय कर दी है 230 किलोमीटर। आप बराबर में कर दीजिए तो 4x बराबर हो जाएगा 220 किलोमीटर, x बराबर यहां से आ जाएगा आपके 4 का भाग दीजिए 220 में, तो ये आ जाएगा 55 किलोमीटर। x जब 55 किलोमीटर है तो एक का 55 है दूसरे का 5 ज़्यादा है यानी 60 हो जाएगा, तो 55 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा इन दोनों की स्पीड है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, 55 तो है लेकिन 55 वाले में 60 नहीं है, एक में 66 है, तो 55 और 60 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, सो इसमें डिलीट किया गया इस सवाल को ऑप्शन मिसमैच के कारण। नेक्स्ट और जो लास्ट सवाल है कि 5 अंकों वाली न्यूनतम संख्या को जब 4, 5 और 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में
बचेगा। एक बार में पांच अंकों वाले न्यूनतम को हटा दूं तो सवाल क्या बनता है कि चार पांच और सात से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष तीन बचेगा, ऐसी कौन सी संख्या आएगी? तो आप कहेंगे चार पांच और सात का एलसीएम लूं तो 140 आ जाएगा। तो 140 वह संख्या है जो कि यदि अपन चार पांच और सात से विभाजित दें तो जीरो शेष बचेगा, क्योंकि 140 चार पांच और सात का गुणज है और सबसे छोटा गुणज है, तो ये एलसीएम हो जाएगा, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल है 140। और प्रत्येक स्थिति में तीन शेष बचना चाहिए तो आप कहेंगे संख्या होगी 143। लेकिन 143 तो तीन अंकों की संख्या है जिसमें प्रत्येक स्थिति में तीन शेष रह रहा है। आपको चाहिए पांच अंकों वाली वो भी सबसे न्यूनतम संख्या। पांच अंकों की ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या होगी जिसको यदि अपन चार पांच और सात से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में तीन शेष रह जाएं? तो आप कहें पांच अंकों की वैसे सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? तो सबसे छोटी होती है 10,000। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। 140 का क्या मतलब हुआ कि ये चार पांच और सात का कॉमन मल्टीपल है, कॉमन गुणज है। तो ऐसा कौन सा कॉमन गुणज होगा जो कि 10,000 होगा या 10,000 से ज्यादा? पांच अंकों की 10,000 है, 10,000 में तो यदि अपन इसका भाग देंगे तो ये पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 140 का देखिए इसके कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, जैसे एक तो 140 हो गया, फिर मैं 140 का 2 से गुणा करूं तो 280 भी इनका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। इसी प्रकार 3 से गुणा करूं तो 140 का मैं किससे गुणा करूं कि एक पांच अंकों की संख्या मिल जाए? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या ली 10,000 में 140 का भाग दिया तो आपके पास जो आ जाएगा आंसर वहां से आपको पता चलेगा भाई 140 को किससे गुणा करें कि 10,000 या उससे जाए। तो इसके लिए आपको 10,000 में 140 का एक बार भाग देना पड़ेगा। तो 140 का 10,000 भाग कितनी बार जाएगा, 1,000 में चला जाएगा आपके 7 बार और ये आ जाएगा 980। शेष रहे 20, 0 उतरा। और अब देखिए एक बार भाग जाएगा 140 और शेष रह गए 60। अब भाग नहीं जा रहा है तो 71 बार तो पूरा का पूरा गया। तो मैं कहूँ 140 का यदि 71 से गुणा करूँ तो क्या पांच अंकों की संख्या मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे शेष रह रहा है। यदि पूरा जाता तो जरूर ये 10,000 मिल जाता। तो ये संख्या 71 से तो ज़्यादा ही गुणज होगा। यहाँ से कौन सा गुणज बैठ रहा, तो 72वां गुणज रहेगा। कौन सा? 72वां। अब 72वां कौन सा आ जाएगा, तो 140 गुणा 72 कीजिए या फिर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा कि 10,000 तो ये हो गए। अब मैं 140 यहाँ पे पूरा भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, 140 होना चाहिए, ये हो रहा 60। तो कितना चाहिए आपको, चाहिए ज्यादा। तो वह कौन सी संख्या होगी जिसमें 140 का पूरा भाग चला जाए, तो 10,080 होगी। कौन सी होगी, 10,080। अब 10,080 वह संख्या है जिसमें 140 का भाग पूरा जाएगा। 140 का पूरा भाग जाएगा मतलब उसमें 4, 5 और 7 का भी जाएगा, क्योंकि 140 4, 5 और 7 का एक कॉमन मल्टीपल है। तो इसका जो भी गुणज होगा, जितना भी अपन गुणा करेंगे वो भी इनसे विभाजित होगा। अब क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में तीन शेष रहना चाहिए। 10,080 में दे रहे हैं तो जीरो शेष रह रहा है, आपको चाहिए तीन शेष, तो तीन और ऐड कर दीजिए। 10,080 में तीन करेंगे तो 10,083 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन एक करेक्ट है, 10,083। तो इस प्रकार ऐसे सवाल आप हल कर सकते हो। यदि ये सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है अभी भी तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और जो भी इंपॉर्टेंट PDF फाइल है 2018-19 में ऑनलाइन रेलवे और SSC की, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना।